प्यारे बच्चों, आज हम क्लास थर्ड की ईवीएस की बुक के फर्स्ट चैप्टर रिश्ते नाते के क्वेश्चन आंसर करेंगे। बच्चों, क्वेश्चन आंसर करने से पहले हमें पाठ को पढ़ना होता है। अगर आपने इस पाठ को नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले आप हमारा वीडियो देखिए जिसमें हमने इस पाठ को पढ़ रखा है। तो उस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अच्छे बच्चों, सबसे पहले आपको पाठ को पढ़ना है। जब आप पाठ को पढ़ लोगे तो इसके जो क्वेश्चन आंसर है आपको आसानी से समझ आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब हम शुरू करते हैं। तो आप अपनी बुक को साथ में लेकर बैठिएगा, क्योंकि जो तालिका होती है, सारणी होती है, वो बुक के अंदर होती है, तो हम आपको वहां पर फिल करवा देंगे। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले ये तालिका है, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि आपके परिवार में कौन कौन है, उनके साथ आपका क्या संबंध है, क्या रिश्ता है। तो नीचे तालिका में आपको लिखना है, बच्चों मेरे को तो पता नहीं है कि आपके परिवार में, फैमिली में कौन कौन रहता है। तो बच्चों मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल दे देती हूँ, ठीक है। जैसे क्रम संख्या है ना, वहां पर आपको 1 2 3 4 5 ऐसे लिखना, ठीक है। 1 2 3 ऐसे, 4 और 5 इस तरह से आप लिख लोगे। तो सामने हमें नाम लिखना है। सबसे पहले अगर आपके घर में दादाजी है तो आपको दादाजी का नाम लिखना है, ठीक है। तो मैं यहां पर दादाजी लिख देती हूं, फिर आप दादाजी का नाम लिख लेना। अगर दादाजी नहीं है, पापा है, पिताजी है, तो आप पिताजी लिख लेना। अब आपका उनके साथ क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है, वो आपके दादाजी लगते हैं ना, तो दादाजी का यहां पर आपको सबसे पहले नाम लिखना है, ठीक है। तो दादा पोता है ना, आप दादाजी के क्या लगे, पोता लगे या पोती लगे, तो आपको इस तरह से लिखना है। सेकंड, अगर आपकी दादी माँ है तो आपको दादी माँ लिखना है, यहाँ पर दादी माँ का नाम लिखना है, ठीक है बच्चों। यहाँ मुझे नहीं पता ना आपकी दादी जी का और दादाजी का क्या नाम है, इसलिए मैं यहाँ पर उस जगह पर ये लिख रही हूँ। तो आपका दादी के साथ क्या रिश्ता है, दादी पोता या दादी पोती। अगर आप गर्ल हो तो आप पोती लगेगी, और अगर आप बॉय हो तो आप पोता लगोगे। थर्ड है, जैसे आपको पापा का लिखना है, फोर में मम्मी का लिखना है, और फिफ्थ में अगर आपके कोई सिस्टर है, ब्रदर है, तो इस तरह से आपको ये सारणी फिल करनी है। बच्चों मैंने थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल बता दिया, क्योंकि मैं आपके फैमिली मेम्बर्स को नहीं जानती हूँ, ठीक है। अब आपको पता करके बताना है कि क्लास में, कक्षा में किसके घर में सबसे अधिक सदस्य है, ठीक है। आप अपने फ्रेंड से पूछिएगा जो आपके साथ क्लास में पढ़ते हैं, कि उनके घर में कितने मेंबर है, कितने सदस्य हैं, और किसके घर में सबसे कम सदस्य हैं। तो आपको उनके नाम लिख देने हैं अपने फ्रेंड के। अब अगला क्वेश्चन है, आप में से कौन अपने अपने दादाजी और दादी जी के साथ रहते हैं, और कौन कौन दादाजी दादी जी के साथ नहीं रहते हैं। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन है, आपको करना है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि आप अपने दादा दादी के साथ रहते हैं या नहीं रहते। अगर रहते हो तो यस कर देना और नाम लिख देना, अगर नहीं रहते तो आपको नो लिखना है, ठीक है। अब देखिए, ये सारणी है, तालिका है। आप अपनी बुक साथ में लेकर बैठिएगा ताकि आप साथ के साथ इसे फिल कर सको, ठीक है। आप इन रिश्तों को क्या कहते हो, पहली रो में देखो लिखा हुआ है पिताजी के पिताजी, तो आपके क्या लगते हैं बताना है हमें, ठीक है। मेरे पिताजी के पिताजी मेरे दादाजी लगते हैं, ठीक है। पापा के पापा दादाजी होते हैं ना, और मम्मी की बहन, माँ की बहन कौन होती है, मौसी जी होती है ना। तो आपको इस तरह से लिखना है कि आपका उनके साथ क्या संबंध है, कि मम्मी की बहन आपकी क्या लगती है। अब पिताजी के छोटे भाई क्या कहलाते हैं, चाचा जी, ठीक है बच्चों। आप अपनी बुक को लेकर बैठिए और इसे नोट करते जाइए, बाद में अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर राइटिंग में लिख लेना। अब चाचा जी की पत्नी क्या लगी, चाची जी, और माँ के पिताजी क्या लगे, नाना जी, ठीक है बच्चों। अब पिताजी के बड़े भाई होते हैं, उनको ताऊ जी कहते हैं। आपके हैं ताऊ जी, बहुत अच्छी बात है, ताऊ जी बहुत प्यार करते हैं। अब माँ के भाई, मम्मी के भाई क्या लगते हैं, मामा जी। पिताजी की बहन बुआ जी,
तो आपको ये रिश्ते याद रखने हैं बच्चों, ये क्वेश्चन आ जाता है। अब चाचा जी की लड़की क्या लगती है, हमारी बहन लगती है, या आप चचेरी बहन भी लिख सकते हो, ठीक है। चाचा जी की लड़की चचेरी बहन, मामा जी की लड़की ममेरी बहन। अब ताऊ जी का लड़का क्या लगता है, चचेरा भाई, ठीक है। भाई भी लिख सकते हैं और चचेरा भाई, दोनों सही होंगे। जो आपको याद रहे आप लिख देना, ठीक है। अब हमें बताना है कि पिताजी की माता जी, पापा की मम्मी क्या लगती है हमारी, दादी जी। और माँ की माता जी क्या लगी, नानी जी। तो बच्चों ये हमने इस तालिका को फिल कर लिया है, आप अपनी नोटबुक में अच्छी तरह से उतार लीजिएगा। अब देखो ये भी तालिका है, तो बच्चों इसमें आपको क्या करना है, आपके परिवार का कोई सदस्य यदि परिवार से दूर रहता है, आपकी फैमिली से दूर रहता है, तो उनके बारे में आपको क्या करना है, जानकारी इकट्ठी करनी है और नीचे तालिका में फिल करना है। तो बच्चों ये भी मुझे नहीं पता कि आपके फैमिली मेंबर कौन बाहर रहता है, जो परिवार का सदस्य है जो दूर रहता है, आपको उनका नाम लिखना है और आप उसके क्या लगते हैं और किस शहर या गांव में रहते हैं। तो बच्चों ये आपको खुद करना है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, ठीक है। जैसे आपके ताऊ जी मान लो बाहर रहते हैं, आपसे दूर रहते हैं, तो ताऊ जी का नाम हमने लिख दिया श्री राम मोहन शर्मा, तो आप अपने ताऊ जी का लिखिएगा, ठीक है। मेरे मुझे तो मालूम नहीं है ना, इसलिए मैं अपनी तरफ से आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। तो अब आपके क्या लगे, वो ताऊजी लगे ना, तो आपको यहाँ ताऊजी लिखना है। और वो कहाँ रहते हैं, तो आप जिस शहर में रहते हैं ना, जैसे वो जयपुर में रहते हैं, तो आपको जयपुर लिखना है। बच्चों ये मैं ओनली एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर आपके ताऊजी कहीं और रहते हैं, मान लो भरतपुर में रहते हैं, बीकानेर रहते हैं, तो आपको वो लिखना है, ठीक है। बाकी आप पता करके अपने मम्मी पापा से पूछ कर फिल कर लेना। इसमें बच्चों आपको एक वंश वृक्ष तैयार करना है, ठीक है। आप देखिए आपकी बुक में है ना, इसे भी कीजिए। तो जो ऊपर जो तालिका है, वो अपने अब मम्मी पापा से पूछकर कौन कौन आपके फैमिली से दूर रहता है, तो आप फिल कर लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, वंश वृक्ष बताना है, बनाना है। तो बच्चों मैं थोड़ा सा आपको सिखा देती हूँ, ठीक है। जैसे सबसे पहले आपको क्या करना है, ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना है, नाम लिखना है, आपके दादाजी और दादी जी का, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इस तरह से ये आपके हो गए, अगर आपके ताऊ जी ताई जी हैं, तो आप लिखोगे इस तरह से, इस तरह से जो जो आपके फैमिली में है ना, इस तरह से आप सर्कल बना बना कर उनका नाम लिखोगे। पिक्चर भी लगा सकते हो, फोटो लगा सकते हो आप बच्चों उनकी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपने मम्मी पापा का नाम लिख देना है, इस तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा वंश वृक्ष, ठीक है बच्चों। ये थोड़ा सा मैंने एग्जाम्पल दे दिया है आपको, यहाँ पर आपके जो फैमिली मेंबर है, ठीक है, आप हो, जैसे आपके दादा दादी के बच्चे, आपके पापा और ताऊ जी है ना, फिर उनके बच्चे हो गए आगे, ठीक है। ये आपकी बहन होगी, मैं की जगह पे आपको अपना नाम लिखना है। अब ये ताऊ जी के बच्चे हो जाएंगे, जैसे राम है और बहन निशा है, ठीक है बच्चों। इस तरह से हमें वंश वृक्ष बनाना है। अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर बच्चों। आप देखिए, सोचिए और लिखिए में, ये क्वेश्चन है बच्चों आपका, ठीक है। आपके परिवार में भी जन्म होने से या शादी ब्याह होने से कोई नया सदस्य जुड़ा है, यदि हाँ तो उसका आपके साथ क्या संबंध है, हमें बताना है।
तो इसका आंसर बच्चों आप नोट कर लीजिएगा, हम आपको लिखकर बता रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, मुझे नहीं मालूम कि आपके घर में कौन सा न्यू मेंबर आया है, नया मेंबर आया है, तो मैं मेरी तरफ से आपको आंसर बता रही हूँ, आप इसमें चेंज कर सकते हो। जैसे इसका आंसर है कि मेरी चाची जी को लड़का पैदा हुआ है, तो नया बच्चा आ गया ना जिसका नाम सुदेश है, वह हमारे परिवार का नया सदस्य है तथा मेरा चचेरा भाई है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था ना, चाचा जी का बच्चा होता है जो वो हमारा चचेरा भाई या चचेरी बहन होती है। ठीक है, आप इसमें चेंज कर सकते हो सकता है आपके भाई की शादी हो तो आपके घर में भाभी आई है, तो आपको भाभी का नाम लिखना है और वो आपके क्या लगी, भाभी लगी ना। अब हम आपको बताना है कि आप सुबह कितने बजे उठते हो। ठीक है, जैसे मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, आप 5 बजे उठते हो तो 5 बजे भी लिख सकते हो, 7 बजे भी लिख सकते हो। अब आपको बताना है आपको अपने दैनिक कार्यों जैसे मंजन करना, नहाना आदि में कौन कौन मदद करता है। दैनिक कार्य होते हैं जो बच्चों हम दिन भर में करते हैं, तो आपको ब्रश कौन कराता है, नहलाता कौन है, तो इसका आंसर है मेरे अधिकतर, मेरे ज्यादातर जो दैनिक कार्य हैं वो हमारी माता जी और पिताजी इसमें मदद करते हैं, और कुछ कार्य मैं स्वयं कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। ठीक है, आप गर्ल हो तो लेती हूँ लिखोगे, बॉय हो तो लेता हूँ लिखोगे। अब हमारा क्वेश्चन है कि हमारा रोज नहाना क्यों आवश्यक है, हमें रोज क्यों नहाना चाहिए। तो इसका आंसर है बच्चों, रोज नहाने से हमारे शरीर से धूल और गंदगी दूर हो जाती है तथा शरीर चुस्त दुरुस्त रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, स्वस्थ रहने के लिए कौन कौन सी अच्छी आदतें अपनानी चाहिए। तो इसका आंसर है हमें स्वस्थ रहने के लिए निम्नलिखित अच्छी आदतें अपनानी चाहिए, जैसे सबसे पहले सुबह सूरज निकलने से पहले जागना चाहिए, दूसरा नियमित व समय पर शौच जाना चाहिए, थर्ड है दांतों को ब्रश करना चाहिए, फोर्थ है रोज नहाना चाहिए, और फिफ्थ है समय समय पर नाखून कटवाना और साफ रखना चाहिए, नेक्स्ट है कुछ भी खाने से पहले साबुन से हाथ धोना और खाने के बाद कुल्ला करना चाहिए, अगला है समय से एवं संतुलित भोजन करना चाहिए, लास्ट है हमारा समय पर सोना चाहिए। बच्चों ये कुछ अच्छी आदतें हैं जिन्हें हमें अपने जीवन में उतारना है और इन अच्छी आदतों को लेकर हमें चलना है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, घर में आपको कौन कौन कहानी सुनाते हैं। तो घर में हमें माता जी पिताजी कहानी सुनाते हैं बच्चों, जिनके दादा दादी जी हैं वो भी आप लिख सकते हो कि हमारे दादाजी दादी जी कहानी सुनाते हैं, नाना जी नानी जी कहानी सुनाते हैं, जो आपको जो भी कहानी सुनाता हो आपको उसका नाम लिखना है। तो बच्चों ये आपको फिल करनी है, मेरा परिचय देना है, तो आपको अपने बारे में बताना है कि मेरा नाम मतलब आपका क्या नाम है, आपको लिखना है वहां पर। मान लो आपका नाम है सुरेश, अगर आप लड़का हो तो आप सुरेश लिखोगे, अगर आपका नाम है तो आप अपना नाम लिखोगे, आप लड़की हो तो आप अपना नाम प्रिया, जो भी आपका नाम है वो लिखोगे। ठीक है, फिर आपको अपने पापा का नाम लिखना है। बच्चों देखो मुझे नहीं मालूम कि आपके पापा का मम्मी का नाम क्या है, और आप किस शहर में रहते हो, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, आपके स्कूल का क्या नाम है, आपको कौन सा गेम खेलना पसंद है और कौन सा काम आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको अपने दोस्त का नाम लिखना है और आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, तो ये सब आपको इस सारणी में फिल करना है। ठीक है बच्चों, जैसे आपके जो स्कूल का नाम है वो लिखना है, अपने मम्मी पापा का नाम लिखना है। तो अगला देखिए क्वेश्चन है हमारा, सोचिए और लिखिए में। बच्चों आप बुक को साथ में लेकर बैठिएगा, ठीक है, क्योंकि हम बुक के अंदर से आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं। अब आपको बताना है कि आपके परिवार में आयु के अनुसार सबसे छोटे व सबसे बड़े सदस्य का आपको नाम बताना है। आपके घर में सबसे छोटा कौन है और सबसे बड़ा कौन है। तो बच्चों ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप इसमें चेंज कर सकते हो अपने मम्मी पापा से पूछ कर। ठीक है,
तो मेरे परिवार में आयु के अनुसार सबसे छोटा सदस्य है मेरा चचेरा भाई सुदेश, तथा सबसे बड़ा सदस्य है मेरे दादाजी श्री उदय भान शर्मा है। तो बच्चों देखिए, नाम मैंने अपनी इच्छा से लिखे हैं, आपके घर में जो है ना आप उनका नाम लिखिएगा। अब आपको बताना है कि आपके परिवार में सबसे लंबे बाल किसके हैं। तो मेरी तो मम्मी के लंबे बाल हैं, इसलिए मैं लिख रही हूँ कि मेरे परिवार में सबसे लंबे बाल मेरी माता जी के हैं। आपके घर में जिसके हो, दीदी के हैं या दादी के हैं, मम्मी के हैं, आपको वो लिखना है। अगला क्वेश्चन है कि वे अपने लंबे बालों की देखभाल कैसे करते हैं। तो इसका आंसर है बच्चों, वे बालों में शैम्पू एवं तेल लगाती हैं तथा उन्हें धूल मिट्टी एवं प्रदूषण से बचाती हैं। अगला क्वेश्चन है, आपके परिवार में सबसे लंबा सदस्य कौन है। तो आपको बताना है, तो मैं यहाँ आंसर लिख रही हूँ कि मेरे परिवार में सबसे लंबे मेरे पिताजी हैं। तो आपके घर में जो लंबा है आपको उसका लिखना है, दादाजी हैं, चाचा जी हैं, ताऊ जी हैं, आप उनका नाम लिखिएगा। अब आपको बताना है, क्वेश्चन है कि आपकी अपनी रुचियां बताने। तो बच्चों जो आपको जो जो काम आपको अच्छा लगता है ना वो बताना है। तो उसका आंसर है, मेरी रुचि पढ़ने लिखने, अखबार पढ़ने, खेलने, टीवी देखने, साथियों के साथ गप्पे लड़ाने, नई नई जगहों पर घूमने आदि कार्यों में है। तो ये काम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, अपने प्रिय साथी की कौन सी रुचि आपको अच्छी लगती है। आपका जो बेस्ट फ्रेंड है, प्रिय मित्र है, उसकी कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगती है। तो इसका आंसर मैं मेरी हिसाब से बता रही हूँ कि प्रतिदिन सुबह उसका अखबार पढ़ना मुझे अच्छा लगता है। अब हमें बताना है कि आपने अपने विद्यालय में स्कूल की किन किन गतिविधियों में भाग लिया है। तो इसका आंसर है बच्चों, मैं विद्यालय की लगभग सभी गतिविधियों में भाग लेता हूँ, जैसे खेलकूद है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, मीनिंग प्रतियोगिता है, पहाड़ा प्रतियोगिता है, डांस प्रतियोगिता है। तो जो जो स्कूल में एक्टिविटीज करवाई जाती हैं मैं सब में भाग लेता हूँ। अब आपको बताना है कि आपके परिवार में सबसे अच्छा खाना कौन बनाता है। तो इसका आंसर है मेरी माता जी। ठीक है, आपके घर में जो अच्छा खाना बनाता है आप उसका नाम लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आपके परिवार के सदस्य किस किस काम को अच्छी तरह से कर लेते हैं। तो इसका आंसर है, मेरी माँ खाना अच्छा बना लेती है और मेरे पिताजी चाय बहुत अच्छी बनाते हैं, मेरे चाचा जी खरीदारी अच्छी कर लेते हैं और मेरी चाची अच्छा गाना गा लेती है। आपके पड़ोस में जिन लोगों की मुख्य विशेषताएं हैं उनकी आपको क्लास में चर्चा करनी है, कक्षा में चर्चा करनी है। तो इसका आंसर बच्चों मैं आपको लिख कर दे रही हूँ कि मेरे पड़ोस में रहने वाले काका जी बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। सज्जन होते हैं बच्चों जो अच्छा व्यक्ति होता है। बगल वाले शर्मा अंकल बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, दीप्ति आंटी गणित के सवाल बहुत अच्छी तरह समझाती हैं, सोहन और सुशील अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, गुप्ता अंकल रोज सुबह मंदिर जाते हैं। तो ये हमने हमारे पड़ोसियों की विशेषताएं बताई हैं। ठीक है, आप भी अपने पड़ोस में पता कर सकते हैं कि किसको क्या काम अच्छा लगता है और उनकी क्या अच्छी क्वालिटी है। ठीक है, आप अपने मम्मी पापा से भी पूछ सकते हैं। आपके परिवार में आर्थिक सहयोग कौन कौन करता है। इसका मतलब है बच्चों कि आपके घर में कमाकर कौन कौन लाता है। तो इसका आंसर है बच्चों, माता जी, पिताजी, ताऊ जी और चाचा जी। अगर आपके दादाजी भी कमाते हैं तो आप दादाजी भी लिख सकते हो। ठीक है, जो आपके घर में बाहर काम करते हैं और पैसे कमा कर लाते हैं उनका नाम आपको लिखना है। तो बच्चों आज हमने इन क्वेश्चन आंसर को कर लिया है। आपको दोनों वीडियो देखनी है जिसमें हमने पार्ट को पढ़ा था और आज क्वेश्चन आंसर किए। जब आप दोनों वीडियो देखोगे तो आपको क्वेश्चन आंसर अच्छी तरह से समझ आ जाएंगे, जो आपके एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेकर आएंगे। थैंक यू।